विदिशा जिले के ग्राम मोरोदा में प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला के संयुक्त तत्वावधान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हुए ध्वजारोहण में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। स्कूल के टीचर द्वारा किए गए झंडा वंदन में राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहरा दिया गया। झंडा वंदन के उपरांत देखा गया कि केसरिया रंग ऊपर की जगह नीचे था। जब जिम्मेदार अध्यापक से पूछा कि झंडा उल्टा है, तब अध्यापक ने उल्टे झंडे को ही सीधा बताया है। अध्यापक को यह भी जानकारी नहीं थी कि झंडे में कौन सा रंग ऊपर होता है और कौन सा रंग नीचे होता है। बाद में पास में खड़ी एक शिक्षिका ने अध्यापक को बताया कि सर झंडा उल्टा है। फिर शिक्षक ने तिरंगे को ठीक कराया। वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माड़वी विदुआ ने बताया कि यह बहुत बड़ा मामला है, इसमें शिक्षक पर बड़ी कार्यवाही की जाएगी और जिलों में भी लिख कर दूंगी। और भी जो स्कूलों में डंडे पर झंडा बांध के अपना कर्तव्य निष्ठा से काम नहीं किया, उन शिक्षकों पर भी कार्यवाही की जाएगी। अभी उनको नोटिस देने की प्रक्रिया चल रही है। जो शिक्षक दोषी होंगे सभी पर कार्यवाही की जाएगी। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। शिक्षक को लगता है इस बात का ज्ञान ही नहीं है अभी तक कि झंडा उल्टा और सीधा कैसा होता है। और यदि आपके द्वारा बताया गया था और एक शिक्षिका के द्वारा भी कहा गया था तो उनको उसी समय सीधा फहराना चाहिए था, जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया, और इसके लिए उनके प्रति कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए जिला शिक्षा कार्यालय को मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। जो भी उचित कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी समझेंगे वो करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।